नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का आगमन हुआ, जहां अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अल्प प्रवास पर उमरिया पहुंचे एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। वही चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में वे बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। मुर्गा पालन व्यवसायी एवं पोल्ट्री फार्म व्यवसायियों को निर्देशित किया गया है कि सभी लोग गाइडलाइन का पालन करें एवं समाज के सभी लोग चिकित्सकों की मदद करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सहभागिता निभाएं, जिसके लिए मरीज मित्र योजना लागू की जा रही है। जहां समाज के लोग बिना मानदेय के अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकेंगे, वही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस अपना कुनबा नहीं बचा सकी, जहां यह बातें कांग्रेसियों का सिर फुलाव है एवं कांग्रेसी अपना मन बहलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। एवं महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो भी सही होगा उसे हम देखेंगे। वही ग्राम कुनकुटी के ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने की मांग करते हुए मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन सौंपा है एवं नागरिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री विश्वास सारंग को पत्राचार किया है। वही मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। सारंग जी मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और इनके पिताजी के नाम पर धनपुरी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन है, जिसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में समापन कार्यक्रम में जा रहे थे। नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत का कार्यक्रम तय किया और उसी कार्यक्रम में उनका पुष्पाहार से स्वागत किया गया। देखिए, बर्ड फ्लू के मामले में हमारी सरकार मुस्तैद है, पूरी निगरानी रखी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में उच्च स्तरीय बैठक कर ये निर्देश दिए हैं कि हर जिले में ये सुनिश्चित किया जाए कि इसका संक्रमण ना फैले और जो भी पोल्ट्री का व्यवसाय करते हैं, जो मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं, वो सभी गाइडलाइन का पालन करें, ये निर्देश दिए। ये मरीज मित्र के बारे में क्या परिकल्पना है, कल आपने सीएम साहब से चर्चा की है? देखिए, समाज का एक बड़ा वर्ग है जो कि समाज की सेवा करना चाहता है और स्वास्थ्य के जो क्षेत्र है उसमें भी सेवा करना चाहता है। हमारे मेडिकल कॉलेज में मरीजों और डॉक्टर के बीच में समाज का एक बड़ा वर्ग सेतु के रूप में काम करे, जिसको नाम हम दे रहे हैं मरीज मित्र, जो कि बिना मानदेय के काम करेंगे और वो हमारे हॉस्पिटल्स में मरीजों को उचित इलाज मिल सके। आने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पाए, अब वो कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता इस बात की फिक्र करें कि अगले चुनाव में वो दो चार सीट भी जीत पाएं। इस मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह झुठला दिया है। केवल और केवल ख्याली पुलाव पका लेने से सरकारें नहीं बनती। ये एमएससी के क्लासेस सर उमरिया में अनवरत जारी रही, इस वर्ष से उसको काट दिया गया, छात्र कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, क्या कुछ प्रयास? अब विषय मुझे नहीं मालूम, जो होगा देखेंगे। और स्थानीय स्तर पर जो सर उच्च क्लास है वो कब तक आरंभ कर दी जाएंगे, क्योंकि महाविद्यालय 44 पंचायत है, 118 गाँव है। देखिए, हमारे सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है, कोरोना को लेकर क्लासेस शुरू हुई हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल ध्यान रखते हुए धीरे धीरे सभी विद्यालय और क्लासेस शुरू होंगे। आज विश्वास सारंग जी का हमारे जिले में बाई रोड आगमन हुआ और आगे वो शहडोल अनूपपुर की ओर यात्रा किए, अपने निज स्थान की ओर यात्रा कर किए हैं बाईपास से, बाई रोड से, और समस्त शासन प्रशासन एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं समाज के लोग जो है जुड़े हुए लोगों ने उनका विधिवत जगह जगह पर फूल माला से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए उनकी यात्रा को मंगलमय किया और आगे वो अपने स्थान तक पहुंच चुके हैं। और यह बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे जगह जगह पर उनका जो स्वागत हुआ है, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़।